एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। अभी मैं आई हुई हूँ अपने मैके। आपने पिछले ब्लॉग में मेरा देख लिया होगा और मैके में है आज एक प्रोग्राम, एक पार्टी, तो उसी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो अभी सुबह का टाइम है तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत बिजी हो रहे हैं। और अपने आप कुछ परिवार में और कुछ फंक्शन होता है तो सब बिजी हो ही जाते हैं, तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और देखूँगी कितना सूट कर पाती हूँ कितना नहीं, कोशिश करूँगी। क्योंकि गेस्ट वेस्ट आते हैं तो सबसे मिलना जुलना भी रहता है। तो गाइज अभी हमारा नहाना धोना हो गया है लेकिन अभी तैयार नहीं हो रहे हैं अच्छे से। तैयार हो जाएंगे तो मैं आपसे मिलूँगी, नहीं तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर आपसे मिलूँगी। और बच्चे भी बहुत अच्छे से तैयार होने वाले हैं, सभी को बहुत खुशी है और सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और रात भी हमने, रात को हमारे यहाँ एक दिन पहले कुआ पूजन है जैसे आज, तो कुआ पूजन से एक दिन पहले गीत गाए जाते हैं और डांस वांस होता है। तो रात सबने बहुत एंजॉय किया, सबने बहुत ज़्यादा डांस किया, सारे बच्चों ने बहुत मस्ती की, बच्चे बहुत खुश हैं। एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो गाइस अभी मैं आपसे मिलूँगी तैयार होने के बाद। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नोट गिने जा रहे हैं। तैयार हुए 2, 3, 4, 5, 6 तैयार हुए हैं गेस्ट के लिए। लो 10 पकड़ो, 10 और 15 दिए मुझे। हाँ 12 थे वाले पहने ना। गाइज अभी हम बैंक्वेट हॉल में आ गए हैं और ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है डेकोरेशन और यहाँ पर बैलून का गेट बना हुआ है और फिर अंदर जा रहे हैं हम। अभी हम पहुंच गए हैं बैंक्वेट हॉल में और यहाँ पर स्टेज भी तैयार हो रही है, बैलून वगैरह सब तैयार हो रही है और अभी यहाँ पर हो गया है सोफे लगाने का काम। बेटा तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर, क्या चुभ रहा था? Thank you.
जिसकी दम में है दम। शुरू करे अपनी भी गरारी है जिम्मी चुके नोक पर मस्ती है माहौल में फिर मिलेंगे। अभी यहाँ का होटल का काम निपट गया है और हमारी हो गई है चलने की तैयारी। घर जाकर पूजेगा कुआ क्या होगा पूजन।